हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम सूट के बचे हुए कपड़े से डिजाइनर कुर्ती बनाएंगे, इसकी कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। तो आप हमारी वीडियो का अंत तक जरूर देखें। तो यहाँ पर हमने ब्लैक कलर का कपड़ा लिया है, ये हमारा बचा हुआ है, और यहाँ पर हमने रेड कपड़ा लिया है, ये भी हमारा सूट का बचा हुआ है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो हमारा ब्लैक कलर का कपड़ा है तो इसको इस तरह से बिछाएंगे। ऊपर वाला हम यहाँ पर पार्ट कटिंग करेंगे, तो लंबाई हमारी इसकी 10 इंच रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पर निशान लगा देंगे। और दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को लाइक भी कर देना, क्योंकि आप लोग लाइक करना भूल जाते हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना। यहाँ से हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमने कटिंग कर दिया है, दो पार्ट हमें कटिंग करने हैं। और यहाँ पर हमने जो रेड कलर का कपड़ा लिया है तो पहले हम इसको इस तरह से फोल्ड करके बिछाएंगे। इसकी लंबाई चौड़ाई बता देते हैं, तो चौड़ाई हमारी 19 इंच है और लंबाई हमने यहाँ पर रखी है 29 इंच। तो दो पार्ट हमें तरह के लेने हैं, ठीक है। यहाँ पर पहले इनको अलग कर लेते हैं। फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक पल्ले को लेंगे और एक पल्ले को तैयार करेंगे। तो इसको हमें देखिए इस तरह से अच्छे से फोल्ड करके बिछाना है। इसकी जो सीधी साइड है वो हमें ऊपर की तरफ रखनी है, ठीक है। और फिर क्या करेंगे, बी सेंटर पर हमें एक कट लगा देना है। तो यहाँ पर हमने कट लगा दिया है, इसको सीधा रखेंगे। फिर हमने यहाँ पर पतली वाली लेस ली है तो इसकी कटिंग करेंगे। तो लंबाई हम यहाँ पर रखेंगे 14 इंच, 14 इंच पर हमें कट कर देना है। और दूसरी की लंबाई हमें रखनी है 9 इंच। तो हमें इस तरह की दो लेस कटिंग करनी है। और यहाँ पर हमने देखिए इस तरह से गोलाकार में पट्टी कटिंग करी है, इसको इस तरह से फोल्ड करके बीच में भी कटिंग करेंगे। तो हमने कटिंग कर दिया है और यहाँ पर हमने लेस को लिया है। देखिए लेस को हमें कुछ इस तरह से सिल लेना है, ठीक है। जहाँ पर हमारी गुलाई है वहाँ पर सिलेंगे और इसमें घुमाकर दाब सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ पर हमने दाब सिलाई को लगा लिया है, देखिए आप लोग देख सकते हैं। फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो हमारी लेस है तो इसको इस तरह से रखेंगे और यहाँ पर इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा देंगे। सेम इसी तरीके से हम इसको भी हम इस तरह से रखेंगे और यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा देंगे। तो हमने देखिए इस तरह से सिलाई लगा दी है, इसको यहाँ पर बी सेंटर पर रखेंगे। जिसकी लंबाई हमारी 14 इंच है तो इसको हमें बी सेंटर पर रखना है। और जो हमारी छोटी वाली लेस है तो उसको हम उस साइड में रखेंगे और यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा देंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पर सिलाई लगा दी है, 4 इंच तक हमने सिलाई नहीं लगाई है दोनों लेस में। और यहाँ पर हमने पेपर पेस्टिंग ली है चौकोर में, इसकी लंबाई चौड़ाई हमारी 3 इंच है। तो इसको हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो हमने ब्लैक कलर का कपड़ा लिया है तो इस पर हमें प्रेस लगा देनी है। हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे क्योंकि लाइट अभी है नहीं, तो हमने चारों साइड से सिलाई लगा दी है। और यहाँ पर हमने लेस को लिया है, लेस को कुछ इस तरह से सिलेंगे, ठीक है। चारों तरफ से हमें घुमाकर सिलाई लगानी है। और दूसरी जो हमारी चौकोर पट्टी है तो उस पर भी हमें देखिए इस तरह से रख के चारों साइड से सिलाई लगा देनी है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमने चारों साइड से सिलाई लगा दी है, इसको हम यहाँ पर उल्टी साइड में कर देंगे, अच्छे से कर लेना है, ठीक है। और यहाँ पर इसको रख के सिलेंगे। सेम इसी तरीके से हम इसको भी सीधा करेंगे और यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ पर हमने दोनों चौकोर पट्टी को सिल लिया है। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो हमने ब्लैक कलर का जो कपड़ा लिया है तो इसको हमें इस तरह से रख लेना है और यहाँ पर सीधी सिलाई लगा देंगे। और इसके ऊपर हमें यहाँ पर लेस को सिल लेना है। और यहाँ पर हमारा जो पीछे वाला पल्ला है तो इसको इस तरह से रखेंगे और इसके ऊपर हमें देखिए इस तरह से कपड़ा रख के दाब सिलाई लगानी है। तो हमने देखिए यहाँ पर इस तरह से पल्ले को सिल लिया है और सेम इसी तरीके से हमने पीछे वाले पल्ले को सिला है।
पीछे वाले पल्ले में हमने गोटा पट्टी नहीं लगाई है। तो अब हम यहाँ पर सूट की कटिंग करेंगे। तो कपड़े को हम बिल्कुल एक बराबर अच्छे से बिछाएंगे। और यहाँ पर शोल्डर की चौड़ाई 7 इंच रखेंगे। लंबाई भी हमें 7 इंच रखनी है, ठीक है। तो इस तरह से सीधी लाइन खींचेंगे और यहाँ पर हमें हल्की सी गुलाई कर देना है। फिर हम यहाँ पर गले की चौड़ाई नापेंगे। तो गला हमारा बोट नेक में रहेगा, तो गले की चौड़ाई हम यहाँ पर 3.5 इंच रखेंगे। और यहाँ से गले की लंबाई नापेंगे, तो गले की लंबाई भी हमें 3.5 इंच रखनी है। इस तरह से बॉक्स बनाकर गुलाई करेंगे। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1/2 इंच पर निशान लगाएंगे। 1/2 इंच पर हमें शोल्डर डाउन करने हैं। तो इस तरह से तिरछे में लाइन खींचेंगे। फिर हम यहाँ पर सीने की चौड़ाई नापेंगे। सीने की चौड़ाई हमारी 17 इंच है, तो 17 को आधा करेंगे तो 8.5 इंच पर हमें निशान लगाना है। फिर हम यहाँ पर एक निशान लगाएंगे हिप के लिए 14 इंच पर, और 7 इंच पर हमें कमर के लिए निशान लगाना है। और इस तरह से सीधी लाइन खींचेंगे। हिप की चौड़ाई भी हम यहाँ पर 17 इंच रखेंगे, तो 17 के आधे हुए 8.5 इंच, तो 8.5 इंच पर निशान लगाएंगे। और कमर की चौड़ाई हमारी 15 इंच है, तो 15 को आधा करेंगे तो 7.5 इंच पर हमें निशान लगाना है। और इस तरह से तीनों निशान को मिला देंगे। नीचे से हमें सीधा रखना है, ठीक है। तो हमने निशान लगा दिया है, अब हम यहाँ पर कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमने इस तरह से कटिंग भी कर दिया है। अब हम यहाँ पर पीछे वाले पल्ले की कटिंग करेंगे। तो कपड़े को बिल्कुल एक बराबर रखेंगे। और इसके ऊपर हम यहाँ पर आगे वाले पल्ले को रखेंगे, बिल्कुल एक बराबर रख लेना है। और फिर सेम निशान लगा देंगे। तो गले की चौड़ाई हम सेम रखेंगे 3.5 इंच। और यहाँ पर हमें आर्मोल की साइड 1/2 इंच की गुलाई बाहर की तरफ करते हुए निशान लगाना है, ठीक है। और साइड में हमें सेम निशान लगाना है। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, गले की लंबाई 2 इंच रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर निशान लगाएंगे और इस तरह से गले की गुलाई करेंगे। तो हमने निशान लगा दिया है, अब हम यहाँ पर कटिंग करेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं हमने कटिंग कर दिया है पीछे वाले पल्ले की। और यहाँ पर हमने कट लगाया है, यहाँ से यहाँ तक हमारी फिटिंग होगी। और एक कट हमने नीचे की तरफ लगाया है, उतना हमारा फोल्ड हो जाएगा। अब हम यहाँ पर फिर से आगे वाले पल्ले को लेंगे और यहाँ से यहाँ तक बाजू की चौड़ाई नापेंगे। तो 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए हमें यहाँ पर बाजू की चौड़ाई नापेंगे। तो बाजू की चौड़ाई हमारी 7 इंच आ रही है, मगर हम यहाँ पर रखेंगे 7.5 इंच, ठीक है। और यहाँ पर हमें दूसरी तरफ भी फिटिंग वाला निशान लगा देना है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमने निशान लगा दिया है। अब हम यहाँ पर बाजू की कटिंग करेंगे। तो कपड़ा हमारा एक बार फोल्ड है, फिर हम इसको दोबारा से फोल्ड करेंगे। और यहाँ पर हमारी जो किनारी है तो उसकी कटिंग करेंगे। और बाजू की लंबाई हमारी 10 इंच है, 1 इंच का मार्जिन लेंगे। तो 11 इंच पर हमें निशान लगाना है। यहाँ पर हमने 11 इंच पर निशान लगाया है। फिर हम यहाँ पर 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे और इस तरह से बाजू की गुलाई करेंगे। बाजू की जो चौड़ाई है वो 7.5 इंच रखेंगे, तो यहाँ पर निशान लगा देंगे। और बाजू की मोरी हम 4.5 इंच रखेंगे, तो यहाँ पर निशान लगाएंगे। और इस तरह से दोनों निशान को मिला देंगे। साइड में हमें 2 इंच का मार्जिन लेना है, तो यहाँ पर भी निशान लगा देंगे और कटिंग करेंगे। तो हमने कटिंग कर दिया है, यहाँ पर हमें बी सेंटर पर कट लगाना है। फिर हम यहाँ पर इसको खोलेंगे और आगे की साइड 1/2 इंच की गहराई देंगे। ये वाला हिस्सा हमारा आगे की साइड रहेगा, तो यहाँ पर कट लगा देंगे। तो यहाँ पर हमारी कटिंग हो गई है, अब हम यहाँ पर इसको सिलना सिखाएंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर आगे वाले पल्ले को लिया है और इसमें गले की पट्टी सिलेंगे। तो यहाँ पर हमने 1.5 इंच चौड़ी और ये भी पट्टी ली है। तो पट्टी को हम यहाँ पर सीधी साइड से रखेंगे और यहाँ पर सिलाई लगा देंगे।
तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमने सिलाई को लगा लिया है। फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, तरह से कट लगा देंगे और उसके बाद में हमें गले को देखिए उल्टी साइड से फोल्ड कर देना है। देखिए इस तरह से फोल्ड करेंगे और फोल्ड करके हमें बिल्कुल किनारे पर सिलाई लगानी है। तो हमने गले की पट्टी को सिल लिया है, देखिए आप लोग देख सकते हैं। इसमें हमें अच्छे से प्रेस लगा देनी है, तभी जो हमारी सिलाई है वो अच्छे से बैठ जाएगी। इसको हम यहाँ पर सीधा रखेंगे और यहाँ पर हमने सेम इसी तरीके से पीछे वाले गले की पट्टी को भी सिल लिया है। तो इसकी सीधी साइड हम नीचे की तरफ रखेंगे और आधा इंच का मार्जिन छोड़ के हमें यहाँ पर शोल्डर को सिल लेना है, ठीक है। तो हमने एक शोल्डर को सिल लिया है, सेम इसी तरीके से दूसरा भी शोल्डर सिलेंगे। तो यहाँ पर हमने दूसरा भी शोल्डर को सिल लिया है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, पल्ले को बराबर करेंगे और यहाँ पर शॉर्ट फिटिंग करेंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमने एक तरफ से सूट की फिटिंग कर दी है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, सेम इसी तरीके से दूसरी तरफ भी सूट की फिटिंग करेंगे, ठीक है। और उसके बाद में हमने यहाँ पर ब्लैक कलर की एक पट्टी ली है और इस पट्टी की चौड़ाई हमारी 3 इंच है, तो इसको सीधा रखेंगे। और यहाँ पर हमने देखी कुछ इस तरह की लेस ली है, तो लेस को हमें देखिए इस तरह से रख लेना है। यहाँ पर हमें इसके ऊपर एक दाब सिलाई लगानी है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लेस को सिल लिया है, सेम इसी तरीके से हम ऊपर की साइड भी लेस को सिलेंगे। तो यहाँ पर हमने लेस को ऊपर की साइड भी सिल दिया है। फिर हम यहाँ पर सूट को लेंगे और सूट को सीधा रखेंगे और यहाँ पर हमें आधा इंच इसको फोल्ड करना है और उसके ऊपर हम यहाँ पर पट्टी को रखेंगे। देखिए इस तरह से रख लेना है, ठीक है। और उसके बाद में हम यहाँ पर सीधी एक सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमने सिलाई को लगा लिया है। ऊपर की साइड हमें इस तरह से इसको फोल्ड करना है और एक दाब सिलाई लगा देंगे। तो हमने दाब सिलाई को लगा लिया है। फिर हम यहाँ पर पीछे की साइड जो हमने कट लगाया था तो उतना हमें फोल्ड करके सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर हमने सिलाई को लगा लिया है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, चाक को सिलेंगे। तो हमने एक साइड से चाक को सिल लिया है, देखिए आप लोग देख सकते हैं। सेम इसी तरीके से दूसरी तरफ भी चाक को सिल लेते हैं। तो यहाँ पर हमने दूसरी साइड भी चाक को सिल लिया है और इस साइड से भी हमारे चाक सिल चुके हैं। अब हम यहाँ पर बाजू सिलेंगे। तो यहाँ पर हमने रेड कलर की एक पट्टी ली है और इस पट्टी की चौड़ाई हमारी 3 इंच है। तो यहाँ पर भी हम इस तरह से लेस को रखेंगे और यहाँ पर एक सीधी सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ पर हमने लेस को सिल लिया है। अब हम यहाँ पर बाजू को लेंगे और बाजू को हमें उल्टा रखना है और यहाँ पर हमारी जो पट्टी है तो इसकी सीधी साइड हम क्या करेंगे, नीचे की तरफ रखेंगे और यहाँ पर आधा इंच का मार्जिन छोड़ के एक सीधी सिलाई लगा देंगे।
तो यहाँ पर हमने सिलाई लगा दी है। अब हम यहाँ पर एक दाँत सिलाई लगा देंगे। फिर हम यहाँ पर एक सिलाई और लगाएंगे नीचे की तरफ, ठीक है। और उसके बाद में हमें ऊपर की तरफ भी देखिए इस तरह से फोल्ड करके एक सीधी सिलाई लगानी है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर एक बाजू में देखिए कुछ इस तरह से पट्टी को सिला है। नीचे की तरफ हमने इसमें लेस नहीं लगाई है, क्योंकि जब हम इसको पहनेंगे तो जो हमारी लेस है तो वो हाथ में चुभेगी। और सेम इसी तरीके से हमने दूसरी बाजू में भी पट्टी को सिला है। अब हम यहाँ पर सूट को लेंगे और सूट को कुछ इस तरह से रखेंगे। और यहाँ पर हमने बाजू को लिया है, बाजू में जो हमारा कट है वो कट हम शोल्डर के बीचों बीच रखेंगे, और जो हमारा साइड में कट है वो कट हमारा आगे वाले पल्ले पर आना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से नाप के बाजू को सिलेंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमने बाजू को सिल लिया है। इसमें हमें डबल सिलाई को भी लगा लेना है और यहाँ से यहाँ तक हम बाजू की फिटिंग करेंगे, ठीक है। तो हमने बाजू की फिटिंग कर दी है और सेम इसी तरीके से हमने दूसरी बाजू सिली है। और यहाँ पर हमारी जो कुर्ती है वो सिलकर तैयार हो गई है। देखिए कितनी सुंदर सी हमारी कुर्ती तैयार हुई है। तो इसी तरीके से आप भी सूट के बचे हुए कपड़े से इस तरह से डिजाइनर कुर्ती बना सकती हैं। बिल्कुल रेडीमेड जैसी हमारी कुर्ती बनी है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे जो हमारी आने वाली वीडियो है वो आप लोगों को सबसे पहले मिल जाएगी। तो मैं मिलती अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आखिर तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू।